मैं एक ड्राइवर आदमी हूँ जो नौकरी करता हूँ और खाता हूँ और घर परिवार चलाता हूँ। जो अब आज के डेट में जो पप्पू यादव की गिरफ्तार जो किया गया है, ये सरकार का साजिश है। इससे पहले साजिश के तहत लालू यादव के गिरफ्तार किया गया, जो कोई सत्ता में हमारा आवाज़ ना उठाए, इसलिए लालू यादव के जेल में रखा गया। उसके बाद पप्पू यादव में आवाज़ उठाया, पप्पू यादव भी के जेल भेजा गया। ये लॉकडाउन में तो और बड़ा उसका साजिश है, जो मैं इसको कोरोना काल में इसको गिरफ्तार करके कोरोना में रख के और इसको हो सके मार भी सकता है, कहेगा कोरोना काल में कोरोना से मर गया। तो ये सरकार के साजिश है। जो जो आदमी बीजेपी और ये नीतीश के सरकार में आवाज़ उठाया, वो आदमी दुनिया में नहीं है। उसको या तो दबाव दिया जाता है, या तो वो बैठ जाता है, या तो उसको जो नहीं बैठता है आवाज़ उठाता है उसको मार दिया जाता है। नीतीश सरकार के राज में यही हो रहा है। कानून प्रशासन सिर्फ सरकार के इशारे पर चल रहा है और नेते के इशारे पर चल रहा है, कोई पब्लिक का और नहीं कोई किसान का या तो कोई आदमी का सहायता कहीं भी कानून प्रशासन से नहीं मिल रहा है। वही 50-50 साल केस बैठा हुआ है। ये कौन सा है जो लॉकडाउन में केस तत्काल ऑरेंट निकल गया? ये कौन सा जज निकाल दिया है लॉकडाउन में और किसान के और आदमी के पर जो केस है वो बैठा हुआ है, कहता सुनवाई नहीं हो रहा है, लॉकडाउन के लिए छुट्टी है। ये कौन सा सर जज निकाल दिया है अभी ऑरेंट और सुनवाई कर दिया है जो बोलो सजा हो गया 14 दिन के लिए? ये पूरे पारी ये सरकार के साजिश है। और जज भी जो है वो भी सरकार के दबाव में जो करेगा वो सरकार के ही कहने पर करेगा। पूरे पारी ये नीतीश सरकार और बीजेपी के सरकार में यही होगा देश में। भाई देश बचाना है तो बीजेपी को हटाओ और देश को बचाओ, मोदी को हटाओ देश को बचाओ, ये नीतीश सरकार का हटाओ और देश बचाओ, कोई और नेता चुनो। ये नहीं हम कहते लालू यादव के लो पप्पू यादव के लो, कोई और नेता चुनो, मगर ये सब देश नहीं चला पाएंगे, देश को बर्बाद कर दिए भाई। इसको इतना शेयर करो, जो हम भी एक गरीब आदमी है, किसान आदमी है, ड्राइवरी करते हैं, रोड पर चलते हैं तो खाते हैं, नहीं तो ये तो जब बड़े बड़े आदमी को जब सरकार नहीं देखने चाहते आवाज़ उठाता है उसको मार दिया जाता है, एक छोटा आदमी की क्या वैल्यू है।